नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज आपके सामने है टाटा हैरियर की टॉप एंड वेरिएंट एग्जिट प्लस डार्क एडिशन। तो अधिकतर लोगों के, हर एक लोगों के सपना होता है कि आपने फैमिली मेंबर्स को या फैमिली के लिए एक बड़ी सी एसयूवी गिफ्ट करें। तो हैरियर से अच्छी एसयूवी मुझे नहीं लगता है कि इस प्राइस रेंज में और इतनी बोल्ड एसयूवी और सेफ्टी रेटिंग के साथ अगर कहा जाए तो इससे अच्छी एसयूवी कोई है। अगर इसी के साथ हम लोग फ्रंट के साथ बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको कंप्लीट DRLs ऑफर किए जाते हैं, जिसे अगर ऑन कर दे तो देख सकते हैं LED DRLs, और यही DRLs आपको इंडिकेटर का भी काम करते हैं। इंडिकेटर्स भी आपको इसमें ऑफर किया जाता है। अब हेडलाइट के साथ बात करें तो आपको 22 ज़ेनॉन प्रोजेक्टर LED लाइट्स ऑफर किए जाते हैं, और इस जगह भी आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स हैलोजन सेटअप में ऑफर किया जाता है, जिसके थ्रो अनबिलीवेबल है। आप अगर रोड पर चल रहे हैं तो आपको कंप्लीट विजन देखने के लिए मिलता है। और सबसे खतरनाक चीज़ इसकी फ्रंट ग्रिल, आज की डेट में 2023 की हैरियर जो आने वाली है उसमें लीक्स आए हैं कि उसमें एडास फंक्शन भी अब आपको देखने के लिए मिलने लगेगा। और अब वो आपकी इच्छा है कि आपको लेना है कि नहीं। अब ये डार्क एडिशन है, एक और एडिशन आने वाला है रेड डार्क, यानी कि उसमें कंप्लीट लाल लाल इंटीरियर आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब अमेजिंग कलर के साथ देखने के लिए ऑफर करने लगेगी। अब साइड प्रोफाइल में हम लोग हैं, साइड में सबसे पहले हमारी नज़र जाएगी इसके व्हील्स पर। आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, कंप्लीट ब्लैक कलर में डायमंड कट अलॉय व्हील्स, और जैसे कि डार्क एडिशन है तो डार्क के बेजिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर देख लीजिए ORBMs, तो कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलता है। कीज़ आप देख सकते हैं, इस टाइप का कीज़ मिलेंगी, लॉक अनलॉक लाइट्स और ये बूट के लिए। तो अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड ऑप्शन के साथ आपको मिलते हैं, ORBMs ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएंगे। LED सेटअप का यूज़ किया गया है, LED इंडिकेटर्स मिलता है आपको यहाँ पे। और इसमें एक और फंक्शन क्या है कि अगर कुछ देर तक मैं इधर उधर कीज़ के साथ चले जाऊँ तो ये ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाएगा। आपको अगर लॉक करना भूल गए हैं तो ये आपको माइंडसेट में नहीं रहना चाहिए कि आपकी गाड़ी को चोरी करके ले जाएंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको ऑफर किया जाता है, और अगर आपके रिक्वेस्ट सेंसर काम नहीं कर रहे हैं इन केस, क्योंकि मैकेनिज्म में कुछ भी हो सकता है, तो आपको यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ से इसके कीज़ भी आप निकाल सकते हैं। इस जगह से आप देख सकते हैं ये इसके छोटे से की, जैसे ये ओपन हो जाएगा और आप आराम से गाड़ी में एंटर कर सकते हैं। अब इसके साथ हम लोग यहाँ पर आएँ तो आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर किया जाता है। और माइलेज के बारे में बात करें तो डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन में आपको माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। इतने बड़े SUV लेकर चल रहे तो आप माइलेज ज़्यादा एक्सपेक्ट भी ना करें, लेकिन कम भी ना करें, क्योंकि डीजल इंजन है और माइलेज आपको 14-15 एनी हाउ, रियल लाइफ माइलेज बता रहा हूँ मैं, कंपनी क्लेम नहीं बोल रहा, 14-15 का माइलेज आपको कैसे भी निकाल के गाड़ी दे देगी। अब इसके रेयर प्रोफाइल में हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि सबसे अट्रैक्टिव चीज़ इसका क्या है, तो LED टेल लाइट्स जो काफ़ी अमेजिंग लगती हैं। और ये डार्क कलर, रात में अगर गाड़ी चले तो गाड़ी आपको नहीं दिखेगी, इसके जो टेल लाइट्स दिखेंगे वो काफ़ी अमेजिंग लगेंगे। और यहाँ पर आपको, यहाँ देख सकते हैं आपको नंबर प्लेट रीडिंग के लिए लैंप ऑफर किया जाता है जो LED सेटअप में है कम्प्लीटली। यहाँ पर आपको टाटा के लोगो भी ऑफर किए जाते हैं, और हैरियर है तो कम्प्लीट डार्क एडिशन है, तो बैजिंग भी आपको डार्क में ही ऑफर किए जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको हैरियर जो लिखा हुआ है कम्प्लीटली ब्लैक में है, अगर दूर से देखा जाए तो आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन हैरियर के जो बोल्डनेस है उसी से हैरियर को पहचानी जाती है। यहाँ पर आपको वाइपर डिफॉगर, वाइपर वॉशर डिफॉगर सभी चीज़ का ऑप्शन, यहाँ आपको स्पॉयलर भी मिलता है ताकि गाड़ी SUV लुक में तो है ही, उसके साथ साथ स्पोर्टी लुक भी आपको ऑफर मिलती है। यहाँ पर आपको सार्फिन एंटीना ऑफर किया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं आपको हाई माउंटेड टेल लैंप्स ऑफर किए जाएंगे, और इसमें आपको देख सकते हैं लायन विथ फैमिली का इसमें बैजिंग दिया गया है। इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि रोड पर चलता फिरता किंग माना जाता है हैरियर को। अब इसके बूट स्पेस के साथ बात करें तो 425 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है, जो मोर देन इनफ है। अगर आप इससे ज़्यादा बूट स्पेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको गिरा दीजिए सीट को, 60-40 के रेशियो में ये स्प्लिट हो सकता है, और आराम से आप कंप्लीट एक केबिन बना सकते हैं अंदर में, क्या आप उसे बोला जाता है वैनिटी वैन का भी काम आप एक तरह से कर सकते हैं, अगर TV वगैरह लगा दे तो कम्प्लीटली ये वर्क करेंगे। तो ये हुआ कम्प्लीट इसके एक्सटीरियर के लुक। अब हम लोग चलते हैं इसके इंटीरियर में, देखते हैं कि आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है इस डार्क एडिशन में। अब इस गाड़ी के डोर पैनल के साथ हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं आपको सारे पावर विंडोज कंट्रोल मिलते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको समथिंग एरो टाइप का लुक मिलता होगा, तो ट्राई एरो थीम का भी यूज़ किया गया है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा ब्लैक क्रोम का यूज़ किया गया है डोर हैंडल्स पर, जो देखने में काफ़ी अमेजिंग लगते हैं। गाड़ी में अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो आप नोटिस कीजिए कि क्या मिलता है, और जो आप नोटिस किए होंगे आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आपको बता ही देते हैं, तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। अगर आपकी गाड़ी हाईवे पर खड़ी है, रोड पर खड़ी है अंधेरे में, तो अगर गाड़ी का गेट ओपन है तो आपको देख सकते हैं इस टाइप का कुछ लुक मिलेगा, और ये केवल यही इसी गेट पर नहीं, आपको हर एक गेट पर मिलता है, ये देख सकते हैं।
तो एक तरह से सेफ्टी मेजर्स होता है ये छोटा छोटा चीज़ का सेफ्टी मेजर्स। अब सीट के साथ बात करें तो आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको लेदर थीम में सीट मिलता है, आपको वेंटिलेशन का भी ऑप्शन ऑफर किया जाता है, कंप्लीटली आपको इलेक्ट्रिक सीट ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं वेंटिलेशन का बटन आपको मिलता है, गाड़ी अगर ऑन करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं वेंटिलेशन का बटन ऑन हो जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। अब गाड़ी का इंटीरियर आप देख सकते हैं, काफ़ी आपको अमेजिंग इंटीरियर देखने के लिए मिलता है और आपको JBL का सिस्टम इसमें ऑफर किया जाता है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ बात करें तो आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो काफ़ी अच्छा डिजिटल मीटर भी इसका लगता है। और आप माइलेज के साथ बात करें तो माइलेज आप देख सकते हैं 16.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज गाड़ी दे रही है। और इधर आपको एनालॉग स्पीडोमीटर भी ऑफर किया जाता है। तो माइलेज से आप इसे परेशान नहीं रहिएगा क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है तो माइंडसेट में क्या चलता है कि माइलेज कम मिलती है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी भरपूर माइलेज मिलता है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। यहाँ पर आपको सारे क्रूज कंट्रोल और MID से रिलेटेड कंट्रोल का ऑप्शन मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आप इसे चेंज वगैरह कर सकते हैं। और इधर आपको सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल मिलेंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करें तो काफ़ी आपको बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है 9 इंचेस का, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेसली प्रोजेक्शन का ऑप्शन आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको मैनुअल बटन्स भी दिए गए हैं, जैसे कि अगर मुझे डायरेक्ट कनेक्शंस में जाना होगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पर बटन मिला यहाँ से बैक करने का, और यहाँ से आप होम पर जा सकते हैं। आपको स्क्रीन टच भी काफ़ी स्मूथ मिलता है। हर गाड़ी में अब एक नेसेसरी चीज़ क्या आपको ऑफर करने लगी है, हर एक गाड़ी में जहाँ तक नोटिस कर रहा हूँ, कैबिन एयर क्वालिटी प्यूरीफायर आपको मिलता है। जैसे कि क्या अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है, यहाँ देख सकते हैं पुअर, यानी गाड़ी के अंदर की क्वालिटी काफ़ी पुअर है, तो ये सब भी चीज़ आपको दिखाते रहेगी। और यहाँ ऑफ है, इसको ऑन करने का भी ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। काफ़ी सारे फंक्शन अब गाड़ी में डाल दिएगा तो कोरोना से भी बचने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको स्पीकर्स के बारे में बात करें तो आपको स्पीकर्स कम्प्लीटली 9 मिलते हैं जो JBL है, जिसमें आप देख सकते हैं हर एक गेट पर आपको एक एक ट्विटर, एक एक स्पीकर और लास्ट में आपको सब ऊपर ट्यून्ड बाई JBL आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर बात करें तो आपको देख सकते हैं पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, इधर कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बटन्स नहीं ऑफर किए गए हैं बाकी सब कार की जैसा। और यहाँ पर बात करें तो आपको सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और गियर नॉब के साथ बात करें तो आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। हालांकि इस गाड़ी के लिए 6 स्पीड भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन इसमें किया जाता है। यहाँ पर आपको 3 ट्रेन्स मिलते हैं, नॉर्मल, वेट और सैंडी ट्रेन। तो हर एक ट्रेन के हिसाब से गाड़ी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, पावर टॉर्क लगाती है। इसमें आपको मोड्स भी आपको ऑफर किए जाते हैं 3, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आपको सिटी मोड में गाड़ी है, तो सिटी मोड में नॉर्मल जैसे चल रही है चल रही है। यहाँ पर आपको इकोनॉमी मोड और यहाँ से आप स्पोर्ट्स मोड और स्पोर्ट्स मोड ऑन कर सकते हैं। गाड़ी के स्टेयरिंग एडजस्टमेंट के साथ बात करें तो आप देख सकते हैं टिल्ट प्लस में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको ऑफर किया जाता है। इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको हैंड ब्रेक काफ़ी अच्छा मिलता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हैंड ब्रेक मुझे पर्सनली यूज़ में लगता है। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी ऑफर किया जाता है, जिसमें अगर आपके मोबाइल वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको सनरूफ भी ऑफर किया जाता है, सिंगल पिंच ओपन होता है, यानी कि एक बार दबा दें तो पूरा सनरूफ आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लाइट्स ऑफर किए जाते हैं कम्प्लीटली LED सेटअप में। यहाँ देख सकते हैं आपको मिरर मिलता है विथ लाइट, और यहाँ आपको कोई मिरर नहीं मिलता है, नॉर्मल टिकट होल्डर ऑप्शन दिया जाता है। RPM एडजस्ट कर सकते हैं आप, यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं, सभी चीज़ का ऑप्शन आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट जैसे कि वेंटिलेशन दिया गया था, इसमें भी आपको वेंटिलेशन सीट मिलते हैं, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ भी वेंटिलेशन मिलता है, काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं, साइड कर्टन्स भी आपको मिलते हैं, फ्रंट का भी यहाँ पे मिलते हैं, नी बस्टर भी आपको ऑफर किया जाता है। तो काफ़ी सेफ गाड़ी मानी जाती है और टाटा का लोहा सबसे बेस्ट माना जाता है ऑल ओवर इंडिया में। तो अब चलिए चलते हैं इसके इंजन के बारे में बात करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। अब इंजन के साथ बात करें तो इतनी बड़ी गाड़ी है तो आपको इतना ही हैवी इंजन भी ऑफर किया जाता है। सबसे पहले इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म के बारे में जान लीजिए, तो ये गाड़ी आपको लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म बनता है, जिसमें D8 प्लेटफॉर्म जिसे कहा जाता है, ओमेगा आर्क आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है, जिसमें लैंड रोवर यानी कि रेंज रोवर्स कह सकते हैं आप, जिसमें बेस प्राइस आपको 75 लाख से शुरू होती है। और इस गाड़ी का प्राइस आज के डेट में 23-24 लाख में आपको ऑन रोड घर ले जाने के लिए मिल जाता है। तो सोच सकते हैं उतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इस गाड़ी को भी बिल्ड किया गया, तो कुछ ना कुछ तो खासियत होगी ही इस गाड़ी में, तो आप अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इंजन के साथ बात करें तो 2.0 लीटर का क्रायोटेक इंजन ऑफर किया जाता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 170 PS का और 350 NM का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है।
काफ़ी हैवी इंजन आपको इसमें मिलता है और सिंगल इंजन आपको ऑप्शन मिलता है, ऐसा नहीं है कि टर्बो वगैरह है, लेकिन ये आपको सिंगल 2.0 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन ऑफर किया जाता है जो 170 पीएस का पावर और 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। काफ़ी आपको अमेजिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, डार्क एडिशन है तो कंप्लीट डार्क मिलेगा, अदर कलर्स में आप जाइएगा तो 5 to 6 कलर ऑप्शंस में आपको अवेलेबल किया जाता है, वो आपने पर्सनल चॉइस है। डार्क एडिशन का प्राइस कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी कलर से काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा नहीं आप एक तरह से कह सकते हैं 50 to 60,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा इस कलर के लिए। तो अभी तो और भी नए नए चीज़ आने वाले 2023 में, उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लाइक करना ना भूला। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, और जैसा जैसा आपको हैरियर में अपडेट्स मिलेगा 2023 में आपको सब अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलने वाला है। टिल देन थैंक यू सो मच, यही था आज का हैरियर का वीडियो, धन्यवाद, जय हिंद। Close till I get up.